जो मैंने ज्ञानी कर्मी योगी भोगी अन्याभिलाषी लोक मैंने से ओट भली से ओट जो भाव कंटा खाई खाई ताद्वारा सी कौन करथाय तांकर मुहर से रक्त बाहर से रक्त को खाई निज को आनंद अनुभव करती से भाई भाव जो मैंने अरसखी मैंने ये संसार विषय वैभव को पान करी ता भीतर तृप्त चाहती। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिर्न कलेवर श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करुअछि। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्त को मुझे यथाजोग्य प्रणाम कर। आजिकार विषय वस्तु है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये जगत को कहीं आसते जे भली भाव श्रीमद भगवत गीतारे कृष्ण अर्जुन को जिते बड़े उपदेश देले कहले हे अर्जुन एपर्यंत मैं तुमको गुह्य गुह्यतर एवं गुह्यतम कथा कही किंतु एने तुमको सर्व गुह्यतम अर्थ होची जिते प्रकार गोपनीय कथा अच्छी गोपनीय मध्य गोपनीय कथा कहवाक जाऊँ। से भाई भाव जगत को चैतन्य महाप्रभु जे आसी विभिन्न कारण नहीं कि साधारण कारण कि मुख्य कारण इत पूर्वे आम मैने श्रवण करते साधारण कारण रे गोटे कारण हूँ साधारण रे साधारण एवं साधारण रे मुख्य एवं मुख्य रे गोटे हूँ साधारण गौण आ गोटे हूँ मुख्य रे मुख्य कारण तेणु आज आम मैंने श्रवण करवा महाप्रभु ये जगत को जे आसी सबुठार कौन मुख्य रहस्य गोपनीय कौन रहस्य आज से विषय आम मैंने पर्यालोचना करवा तेणु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते देख ये कथा हूँ अत्यंत अत्यंत निगूढ़ कथा ये ये सब सिद्धांत कहते ना जुआए ना कहले कह यार अंत नहीं पाए अर्थ हूँ आम ओडिया गोटे कथा अच्छी हाटरे मध्य ब्रह्म ज्ञान ये ब्रह्म विद्या जो जेकोसी जगार ये ब्रह्म विद्या कह जाए तेणु ये ब्रह्म विद्या जब कृष्ण गीतार कहते हे अर्जुन मु तुमको ये ज्ञान देली ये ज्ञान जहाँ को ये ज्ञान देवेनी मना कर भाव कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ये तांकर सर्वश्रेष्ठ कारण आसवा ये अत्यंत अत्यंत गूढ़ रहस्य कथा किंतु पुणी कहते जदि ये गूढ़ रहस्य कथा न कह भी धीरे धीरे ये जगतरु यही सिद्धांत लुप्त हो लोक मैंने जापर कि जड़े व्यक्ति मध्य से गूढ़ रहस्य को जदि बुझीपारी से अनुजाई साधन भजन करती तेज मोर कह सार्थकता होते कहते बुझे रसिक जन ना बुझे मूढ़ अर्थ हूँ यही कथाटा रसिक लोक तो बुझे किंतु मूर्ख लोक से बुझे ना तेणु गोटे उदाहरण देकर कहले जे भली कोईली से कोईली कौन खाए बोले आम्रर जे मकुल तादेर जे मधु सी सहीटा ही पान करे किंतु ओट कौन खाए कंटा गच खाए एवं से कंटा गच खाई निजक सुखी मन करे कहते से भाव जो मैंने अरसिक जो मैंने ज्ञानी कर्मी योगी भोगी अन्याभिलाषी लोक मैंने से ओट भली से ओट जो भाव कंटा खाई खाई ताद्वारा सी कौन करथाय मुहर से रक्त बाहर से रक्त को खाई निज को आनंद अनुभव करती
सही भली भाव जो मैंने अरस कि मैंने ये संसार विषय वैभव को पान करी ता भीतर तृप्त चाहती किंतु भक्त मैंने कि भरी से भली हेले कोईली से माने सबाने कौन खाती से माने आंबर मौल भितरे जे मधु अच्छी सेठा को पान करती तेणु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यही विषय कहते जो माने रसिक लोक रसिक माने जो माने श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्रीमान महाप्रभु को उपासना करती जो माने सारग्राही जो माने भारग्राही नुहति से माने ए समस्त रस सिद्धांत को आस्वादन करी से माने निज को आनंद अनुभूति करती तेणु आज आम मैंने शुणा महाप्रभु यही जगत को आसवार सर्वश्रेष्ठ गोपनीय कारण जितेबले श्रीमान चैतन्य श्री कृष्णचंद्र यही जगत को आसिले एवं आसिकिरी तांको मन भितरे जहाँ किछि इच्छा थिला समस्त रस को से आस्वादन करिले आस्वादन करी जितेबले कृष्ण यही जगत रा समस्त लीला को से समाप्त करी गोलोक वृंदावन चली गले थरे से निकुंजरे बसिकिरी से मुंडरे हाथ देकर चिंता करछंती कौन से चिंता करछंती कहले मु समस्त रस को मु आस्वादन करली मु भगवान हेकरी मध्य कौन करली सांग मानकर सखा मानकर मु सखाई गली विश्व ब्रह्मांड मोर चरण कमल को आराधना करती कहते शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम से किए जहाँ का चरण कमल को ब्रह्मा शिव नारद इंद्र चंद्र वायु वरुण शेष महेश दिनेश सुरेश सब जाहि निरंतर ध्यामे एवं कहते यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि जहाँ कर चरण कमल छटा को ब्रह्मा मध्य दर्शन करी आज से ही परात्पर परम ब्रह्म जहाँ को पितामह ब्रह्मा कहते बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन पितामह ब्रह्मा सही ब्रजवासी सौभाग्य को गान करछंती कृष्ण किए जगन्नाथ किए सीएले पूर्ण सीएले ब्रह्मा सीएले सनातन किंतु हेकर मध्य से कौन करछंती से सखा मानकर सखा ही जाइछंती हैं यदि सखा मान को कौन सी गोटे मीठा फल मिली से प्रथमे खाइकिरी खाबे कृष्ण फलटा बहुत मीठा कृष्ण के तू कौन एका खाइबु मत दबुनु कृष्ण तक अईठा खाई कहते तु एत सुंदर मीठा फल को तु एका खाऊ मत दौन थलु फलटा जब कृष्ण सुदाम भितर मल्ल युद्ध हुए कहते सुदाम कृष्ण को सीए हर दिंती कहते कृष्ण तु हारी जाइ आज घोड़ा हवा को हम कृष्ण कहते मु घोड़ा हबिन बोले घोड़ा हबनी बोले ना बोले जो घोड़ा न हम ना तुमको एका कर दबो बोले सांग मान यहाँ को एका कर दिए आगे सागर कई कथ कहनी आज ठार् कृष्ण कहते ना ना एमती करनी मत अपराध क्षमा कर तुम घोड़ा पीठ पर बस निजे भगवान से श्रीदाम को से कांधे पर बस घोड़ा होकरी जगन्नाथ ताक नहीं जाती माठवर भांडरी पट पर्यंत नहीं जाती तेणु कृष्ण भगवान होकर कौन करे विश्व ब्रह्मांड को से माया द्वारा समस्त को से बांधिक रखिंट कि जो कृष्ण से ही लहुणी चोरी करे माँ जशोदा कौन करे धरिकी उदुखल देहर ताक बांधिदे उदुखल हैं तेणु आमर श्री सत्यव्रत ऋषि कहते बोले नमस्त अस्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने तदीय उदरायथ विश्वसधामने नाम राधिकायै तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तोप्यम सत्यव्रत मुनि से कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते बोले हे प्रभु विश्व ब्रह्मांड को आपण निजर माया द्वारा बांधिक रखिंट किंतु आज आपण को माँ जशोदा उदुखल आपण बांधिदे भक्त प्रेम केते बसीभूत हो जाते कृष्ण चिंता करश्व ब्रह्मांड हैं विश्व ब्रह्मांड को कान मुँह धरिकी उठौ से बसौची जितने मुझे लहुणी चोरी करे जितने माँ कहते कृष्ण तू कौन लहुणी खाई कृष्ण डर कौन कहते बोले माँ
मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भोर भयो गई अन को पाछे मधुबन मो हे पठायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कान धरिकी महाप्रभु तक उठो से बसुंती कि आज माँ जशोदा खाली कृष्ण तू कौन लहणी खाइजो कि माँ का डर रे जा डर रे काल निजे थर थर कांपे हैं कि आज माँ जशोदा को डर रे कृष्ण कहते बो मु लहुणी खाईनी ये सखा मैंने सब मो ना सब मिथ्या कथा कहते बोलते कौन ये श्रीधाम कौन मिथ्या कथा कह बलदेव प्रभु कौन मिथ्या कथा कह समस्त आज सब मिथ्या कथा कहते मो माँ लहुणी मु खाईनी। तेणु कृष्ण चिंता करुछन्ति गोलोक वृंदावन रे विश्व ब्रह्मांड को मो माया द्वारा बांधिक रखे कितु माँ जशोदा मत उदुखल बांधि देले। तार तृतीय जे रसास्वादन करिले मु गीतार बहुत बड़ गोटे प्रतिज्ञा करथिले। मोर प्रतिज्ञा हैला जे यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। मते जे जे भली भावरे भजन करे मु मध्य ताको ठीक सही भली भावरे मु ताको भजन करे। कि जेले कृष्ण ब्रज गोपी सांगरे रासलीला करिले से रासलीला रे कृष्ण निज प्रतिज्ञा को भांगी देले। पहले हे ब्रज गोपी गोपी माने न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विबुधाई साइप। हे गोपी गोपी माने मु ब्रह्मांग भली परमायु नेले मध्य केबे हेले आपण को ऋणी रु मुक्त हो पारिबेनी काहे कि नै तमे माने समस्त भाई बंधु पुत्र परिवार समस्त को त्याग देकर मो प्रेम तुम्हें पगल होती तेणु तक निजर परास्त से स्वीकार करी। राधाराणी मान करती ताल कृष्ण कौन कहती बोले स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। बोले हे राधाराणी आज कहीं ये मान कर मान छाड़ी दियो तेणु आपणकर उदार जे कोमल चरण टी मोर मस्तक उपर रख जहाँ को देखिकी कवि जयदेव हाथ कपिबा को आरंभ करा से पेंटी रखिकी से पलिगले गंगा को स्नान करने इतिमध्य निजे महाप्रभु आसिकी पद्मावती कहते पद्मावती मुझा समय रे गोटे कथा भूली जाए खाता दिए मुझे लिखिकी जी जितने खाता दे सीए स्वर्ण अक्षर निजे महाप्रभु लिखिकी गले देही पद पल्लव मुदारम। जितने किसी समय पर जितने जयदेव आसिले पद्मावती कहते आपड़ ये शीघ्र केमी पलि आसिल कहते मुनाई मुते बहुत समय है मुझी बोले ना आप मझे आसी आपण को गोटे खाता दिली खातारे तुम किसी लिखिकी गल बोले खाताटी आण कहते खाताटी आणले से देखिले स्वर्ण अक्षर से जे जिनटा को लेखिपारी नहांती से जिनटा महाप्रभु निजे लेखिकी जा देही पद पल्लव मुदारम। हे राधे तुम से कोमल चरण टी मोर मस्तक उपर अर्पण कर। तेणु कृष्ण कहते हे राधे मत गिरिराज धारण करने जिते शक्ति लगिनी अघास रु बकाश रु मारियापाई जिते शक्ति लगिनी जिते राधाराणी मान करती मान को मनवाई महाप्रभु को ताठार बेसी एनर्जी लगे बहुत कष्ट हुए। तेणु कृष्ण गोलोक वृंदावन रे से कुंजर मध्य बसिकी से चिंता करुँचंती समस्त रस को मुझे आस्वादन करी कितु गोटे रस एपर्यंत मु आस्वादन करें से रस टी कण। तेणु कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु आसवार प्रकृत रहस्य कण से विषय टी कह बंछागल्पुरभ्य कृपा सिंधु भाई वच पतितानांग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।